है ना, आपकी प्रिपरेशन से अलग आ जाता है। यू हैव टू हैंडल ऑन द स्पॉट, जैसा कि मैं अभी मुझे सुबह 6 बजे पहुंचना था हॉस्पिटल और 7 बज गए हैं। मम्मी अगर बीमार हो गई तो मुझे सारी फैमिली बुलानी पड़ेगी रोहतक से। अकेली मम्मी ठीक रही तो सब संभाल लेंगी। अरे गेट क्यों बंद कर रखा है भाई, अभी 10 बज चुके हैं। अब जा रहा हूँ मैं सेकेंड टाइम हॉस्पिटल में। अब मानसी के लिए कुछ खाने पीने का लेके जा रहा हूँ, कुछ कपड़े लेके जा रहा हूँ मम्मी के लिए, बच्चे के लिए। मानसी को अभी थोड़ी देर पहले पानी पिलाया था तो वो चेक कर रहे थे कि वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं हो रही है पानी पीने की वजह से, तो अभी नॉर्मल है। तो अभी चाय बिस्किट स्टार्ट कर दिया मानसी का, फिर दिन में नारियल पानी। तो मेरा तो यही रहेगा रूटीन, आना जाना। मम्मी और मानसी को तो लग रहा होगा कि क्या काम है मेरे को, और आज मैंने सुबह से ना ब्रश भी नहीं किया है। काम दिखते भी नहीं, काम इतने सारे हैं। उठ ले, मैं थक गया, नींद आ रही है, कुछ काम करवा दे मेरे। मेरी परीक्षा की घड़ी आ गई है, मुझे अभी ये कॉफ़ी का थर्मस खोलना है, सर्व करनी है मानसी को। अगर आज मैं फेल हो गया, चेहरा हूँ सुझा सुझा रखे। मानसी मम्मी को एक एक चीज़ बताती थी कि मम्मी ये चीज़ यहाँ पे रखी है, ये चीज़ यहाँ पे रखी है, कि बाद में तो मम्मी को ही काम करना है। और अब हो गया देखो कितना उल्टा। मानसी को भी पता है सामान कहाँ है और मम्मी को भी पता है, और काम किसको करना पड़ रहा है। अभी मानसी के लिए खीर बना रहा हूँ, मम्मी के लिए सब्जी रोटी बनानी है। सब्जी तो नहीं, चटनी रोटी बनाऊँगा बस। मेरे को चीज़ों का पता नहीं, फ़ोन करके एक एक चीज़ पूछ रहा हूँ। इलायची कहाँ पर रखी है, चावल कहाँ पर रखे हैं। तो कई बार क्वेश्चन पेपर है ना, आपकी प्रिपरेशन से अलग आ जाता है। यू हैव टू हैंडल ऑन द स्पॉट, जैसा कि मैं अभी हैंडल कर रहा हूँ। पहले अपनी पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा। पिछली बार मैं जाके टाइम से जा रहा हूँ, मेरे को पहुँचना है 4 बजे तक, लेकिन अभी 3:30 हुए हैं तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। और जल्दी पहुंचना ज़रूरी है क्योंकि मम्मी ने सुबह से सिर्फ खिचड़ी खा रखी है। अब थोड़ा सा खाना खा लेंगी। मम्मी की तबीयत ठीक रखना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मम्मी ठीक है तो सब ठीक। एग्जैक्ट 12 घंटे की ड्यूटी पूरी हो चुकी है मेरी। मम्मी की तो कंटिन्यू 24 घंटे है। मैं अभी जाके रेस्ट करूँगा, आरती करूँगा, सत्संग सुनूँगा, और अच्छे से रेस्ट करना है क्योंकि कल दोबारा से ये काम करने हैं। 14 जनवरी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी जस्ट कॉल आया था मम्मी का कि छुट्टी दे दी है डॉक्टर ने। तो अभी मैं जा रहा हूँ, सामान लाना है, फिर कैब से मानसी मम्मी और बेबी आएंगे। अपने सारे बैग रेडी हो गए हैं, अपने बच्चे भी रेडी हैं और मम्मी भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। सारे फैमिली मेंबर्स घर पहुँच चुके हैं, घर भरा भरा हो गया है ना, 4 मेंबर्स हो गया वो घर में। ये पूरे से ज़्यादा है, ठीक है। आज 2022 में मैं अकेला आया था यहाँ पे, मैंने अभी नाम नहीं बताया किसी को। हाँ गैस करो क्या नाम है, ऐसा नाम है जो बहुत बार सुन रखा है सभी ने, मेरी वीडियोस में बहुत बार सुन रखा है, वो नाम है। बड़ा चैन से सो रहा है, रात को जगाएगा ये। ये मार्ट 9 बजे बंद हो जाएगा, 20 मिनट रहती हैं। मेरे बस्ते का वजन है ना डबल हो गया है अब।